फिनिश करेंगे, पीपी लगाएंगे, चलकुट बना के फिनिश करेंगे। यहाँ पे जलकुट बन रहा है ब्लैक पिगमेंट डाल के वाला, तो अभी जो भी पार्ट निकलेगा वो ब्लैक निकलेगा, अभी मजा आने वाला है गाइस। तो देखो ये मोल्ड के अंदर जो भी ब्लैक लगाया वो कोई पेंट वेंट नहीं है, ये एक जलकुट है, एक लेयर बनेगी कि हमारा पार्ट एकदम फिनिशिंग में निकले। इसके लिए अभी इसके ऊपर मैट भी लगाएंगे, रेजिम भी लगाएंगे। 11:30 बज रहे यहाँ पे अल्पेश भाई, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, एडवांस ये लोग भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर विद लैम्बोर्गिनी। बस 30 मिनट में होने वाला है 2023, कल साल का पहला दिन होगा 2023 का, उसमें पहला पार्ट हमारा रिलीज होगा। एंड साल का पहला दिन 1 जनवरी 2023, एंड सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। एंड कल रात को आपने देखा था हमारा जो बोर्ड था उसके अंदर हमने ब्लैक कलर का पार्ट बना के रख दिया था सूखने के लिए, तो अभी सुबह देखा एकदम परफेक्ट हो चुका है, तो फटाफट चलो उसका मोल्ड बाहर निकालते हैं, मतलब बॉडी का ओरिजिनल पार्ट जो अपन रखने वाले वो निकालते हैं, कैसा फिनिशिंग रहेगा, कैसा दिखेगा, कैसा ब्लैक होगा देखना है। फटाफट काम चालू, तो देखो यहाँ पे बस अलग कर रहे हैं, हमारा एक पार्ट फाइनली हो चुका है कम्प्लीट। ये तो अभी भी निकाल के रखा है, इसका फिनिशिंग सब कुछ बाकी है। ब्लैक कलर देखो, देखो ये पूरा ब्लैक पार्ट ऐसा लगता है कि पेंट हुआ हुआ है, बट ये पेंट नहीं है, ये जेलकोट था ब्लैक। अभी इसके ऊपर बहुत सारा फिनिशिंग होगा एंड उसके बाद पेंट होगा। तो कैसे यहाँ पे यूट्यूबर का वीडियो शूट चालू है, एंड यहाँ पे देखो पक्का पे काम कर रहे हैं, क्या बात है, ड्रिल मशीन लगा रहे हैं। सही है हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग करना बाकी हो तो सब साथ में फिनिशिंग कर देंगे, बट मोल्ड एक बनाया था, फिनिशिंग किया था, एक पार्ट निकाला था, अभी हमको लगा सक्सेसफुल होगा, तो अभी दूसरा भी पार्ट का बॉर्डर बॉर्डर बनाना चालू है। बहुत गाइस इसमें बहुत ही फिनिशिंग करना पड़ेगा तब अच्छे पार्ट निकलेंगे, तो ये सब बॉर्डर बॉर्डर बनाना बहुत ही मुश्किल है, बट हमको बनाना है, गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, भले हम फिर से काम कर रहे हैं बट अच्छा काम होना चाहिए। ये 9 बजने वाले हैं एंड सुबह से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। एक पार्ट हमारा निकल चुका था ये वाला, तो हमने दूसरा भी मोल्ड को फिनिशिंग कर दिया। देखो इसके अंदर हमने पीवीए लगा दिया, एक लेयर बन जाए एंड आसानी से हमारा पार्ट निकल जाए, ठीक है, यानी कि आगे का जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है पूरा डिज़ाइन अभी कम्प्लीट हो जाएगा, ये दो पार्ट एंड ये वाला, ये पूरा हो जाएगा कम्प्लीट। तो बस अभी मैट लगा देंगे, पार्ट बना देंगे, हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे लगा के देखा एकदम प्रॉपर फिटिंग आ रहा है, क्योंकि मोल्ड हमने इतना अच्छा बनाया है तो फिटिंग तो प्रॉपर आना ही था। तो चलो आगे का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होने वाला है, यहाँ से धीरे धीरे बॉडी लगनी चालू होगी, पीछे तक ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। तो हमारा ये पार्ट तो बन चुका था एंड आगे वाला पार्ट सूखने के लिए रख दिया है, अभी ऊपर का छत बना रहे हैं अपन, ये वाला पार्ट तो उसके लिए कटिंग चालू है एंड ये वाला पार्ट भी सूख रहा है, अभी भी मैट लगाया हुआ है। हमने कल की वीडियो में आपको दिखाया था लास्ट बार हमने रात को मैट लगाया था एंड सूखने के लिए रख दिया था हमारा मोल्ड, उसके अंदर पार्ट बना के, तो अभी पार्ट को रिलीज करना है, मतलब मोल्ड में से पार्ट निकालने हैं, तो उसके लिए देखो सूख चुका था पार्ट, तो निकालेंगे अंदर से, ये ऊपर का मोल्ड है, नीचे इसका बॉडी है, पावर स्टीयरिंग नहीं हो रहा था तो उसका पाइप वो भी बनवा के आ चुके हैं, यहाँ पर लाइट नहीं थी तो वो काम हमारा हो गया। ये वाला देखो पहले हम ये वाली पाइप ले आए थे, अभी हाँ अभी हमने ये वाला पाइप बना दिया है, देखो यहाँ पे अटैच कर दिया है, देखो ये बनाया हुआ है, तो ये वाला पाइप यहाँ से लेके वहाँ तक आसानी से लग जाएगा। देखो हमारा दूसरा भी पार्ट निकल चुका है, ये पार्ट है मोड़ गया अंदर, इसमें से भी अपन निकालेंगे। तीन दिन इसके पीछे कंटिन्यू लगे हुए थे एंड देख लो आगे का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओरिजिनल बॉडी हमारी
मतलब पूरे दिन हमने जो हाथ से बनाई वो बॉडी है, मोड़ बोल नहीं है, मोड़ बोल सब हमने अलग से रख दी है, उसके अंदर से हमने पार्ट निकाल दिए, तीन पार्ट के अंदर देखो आगे का पूरा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। ये भी एक अलग पार्ट है ये वाला, एंड ये भी एक अलग पार्ट है, एंड ये भी एक अलग पार्ट है। इसका थिकनेस 3.5 या 3 mm थिकनेस है, एकदम हैवी है, मजबूत है, फिनिशिंग बाकी है, बट आपको ब्लैक कलर इसमें दिख रहा है वो चेलकोट है। तो हमने इसका पार्ट ब्लैक कलर के अंदर ही निकाला हुआ है पिगमेंट डाल के, अब इसके बाद फिनिशिंग होगा एंड अच्छे से इसको फिटिंग करेंगे एंड उसके बाद इसको पेंट करेंगे। इससे भी ज़्यादा चमकने वाला है, ऐसे ही निकाल के रख दिया क्या कि अभी कच्चा माल है, कच्चा है, इसको पक्का करेंगे फिनिशिंग करके तब मज़ा आएगा। एंड अभी हमारा आगे काम स्टार्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे कार्डबोर्ड लग चुका है ये, एंड यहाँ पे भी लग चुका है, धीरे धीरे पूरी गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा बनेगा। मिट्टी से हमने बनाया था, इसका हाइट बढ़ गया था, बट देखो ये कार्डबोर्ड से कितना जल्द हो गया, पहले हमको आइडिया आया होता तो अभी तक शायद बॉडी बन गई होती गाइस, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता रहता है, सीखते हैं अपन, तभी तक कुछ नया कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी कोई बंदा चाहे ना कि यहाँ पे बैठ के फोटो खींचवाना है तो यहाँ पे बैठ के भी फोटो अपन खींचवा सकते हैं, ऐसा मजबूत पार्ट है, देखो यहाँ पे आराम से बैठ के अपन फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं, वैसा बन चुका है। तो गाइस कैसी लग रही है गाड़ी, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 3 पार्टियाँ लगाया हुआ है, पूरी गाड़ी के पार्ट लगाने दो तब तबाही मचने वाली है। तो आ जाओ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो हमने कार्डबोर्ड लगाया है ना, यहाँ से इतना काटा, इसको फिटिंग किया एंड वहाँ फिटिंग किया, तो अपने आप इसका रेडियस निकल के आ गया, जो कर्व आना चाहिए वो अपने आप इसका कर्व आ गया। देखो मिट्टी लगाई थी ना तो थोड़ा ऊपर नीचे था एंड थिकनेस भी थोड़ी बढ़ गई थी, तो ये परफेक्ट है, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। एंड पीछे वाला देखो, ये पार्ट देखो कितना मस्त बना हुआ है, ऐसा गोल, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर देखो ये कार्डबोर्ड थोड़ा छोटा है, ये शायद 1.5 mm का है, 1.5 mm का, ये 3.5 mm का था, तो उसको ऐसा बेंड करेंगे, देखो ऐसा बेंड करेंगे, देखो इसका भी रेडियस आ गया, इसका भी डिज़ाइन बन गया। तो कुछ इस तरीके से पूरी गाड़ी में ऐसा कार्डबोर्ड लगाएंगे एंड फटाफट कार्डबोर्ड लगाते जाएंगे, उसके ऊपर मोल्ड बनाते जाएंगे एंड पार्ट निकालते जाएंगे। तो गाइस जिसका वेट कर रहे हो कि थोल भाई कितना टाइम और लगेगा, थोड़ा टाइम लगा, मिट्टी में थोड़ा टाइम बिगड़ा, बट कोई नहीं, इस बार गाड़ी बनेगी मशहूर। भी वीडियो तुम्हारा भाई 3-4 दिन का वीडियो एक साथ डाल रहा है, क्योंकि आपको एक साथ काम देखने को मज़ा आए, 2 दिन के अंदर अपन पूरी गाड़ी में कार्डबोर्ड लगा देंगे एंड मोल्ड भी बना देंगे, बस आप लोग ऐसे इसका ही सपोर्ट करते रहो। तो आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं एंड आज दोपहर के बाद ही नया ब्लॉग स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यू रहेगा, तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं। I'm gonna show you how we lose control, baby.